नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं ग्रो माई इंडिया यूट्यूब चैनल। एक बार फिर उपस्थित हूं आपके समक्ष रोजगार की एक शानदार जानकारी के साथ। और दोस्तों, आज एक ऐसे बिजनेस की जानकारी आपको मिलने वाली है जिसको एक मोबाइल फोन के एक स्मार्टफोन के कीमत में आप कर सकते हैं। इसके लिए ना तो कहीं आपको ऑफिस लेने की जरूरत है, ना तो कहीं आपको वेयर हाउस लेने की जरूरत है। जहाँ आप हैं वहीं से इस बिजनेस की शुरुआत हो सकती है और अच्छी खासी कमाई भी कर सकते हैं। तो कैसे इस बिजनेस की आप शुरुआत करेंगे, क्या ये बिजनेस है, किस तरह से इस बिजनेस को संचालित करेंगे, किनके लिए ये बिजनेस है, हर तरह की जानकारी आज के वीडियो में मिलने वाली है। दोस्तों बने रहिएगा इस वीडियो के अंत तक। तो चलिए शुरू करते हैं। और हमारे साथ सर हैं, स्वागत है सर हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका। सर आपका भी स्वागत है सरफ इंटरप्राइजेज में। तो आप अपना कंप्लीट एड्रेस हमारे दर्शकों को सर बताइए। सर मेरा दरभंगा के अंदर में है, दरभंगा बस स्टैंड दिल्ली मोड़ कहलाता है। उससे नियर पूर्व 2 किलोमीटर गोपालपुर चौक है, NH 57 पे, वहीं पर अपनी ऑफिस है और उसमें सारे चीज़ प्रोवाइड होते हैं वहाँ। आज की वीडियो में जिस बिजनेस की जानकारी आप देने वाले हैं, इसके विषय में आपने बताया कि काफ़ी कम कीमत में हमारे भाई बंधु इस बिजनेस को संचालित करके अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं, तो वो कौन सी बिजनेस है सर? सर ये टूथब्रश पैकिंग करने वाली बिजनेस है। आप जो लूज टूथब्रश वगैरह आता है, आप उसको पैक करके मार्केट के अंदर में उसको सेल कर सकते हैं, अच्छी से खासी इनकम कर सकते हैं उससे। ये भी पैकिंग बिजनेस है? जी ये भी पैकिंग बिजनेस है। उसकी मशीनें भी या मटेरियल भी अपने पास प्रोवाइड होता है, हर चीज़ रहता है, सब कुछ करते हैं। यानी कि सर मशीनें भी हमारे भाई बंधु आपके यहाँ से ले सकते हैं और उसके रॉ मटेरियल भी आप दे सकते हैं? जी जी एकदम सर, मशीनें भी हमारे पास से ले सकते हैं, रॉ मटेरियल भी हमारे पास से सब कुछ मिल जाता है और सारी चीज़ें इसका जो भी इस प्रकार की जो मशीन से जो भी चीज़ पैक होती है सारे मटेरियल हमारे पास प्रोवाइड होते हैं। तो मशीन कौन सी है सर, उससे कौन कौन से वर्क किए जा सकते हैं, कौन कौन से सामान की पैकिंग की जा सकती है, डीपली जानकारी दर्शकों को दीजिए। देखिए ये मशीन सामने एक रखी हुई है, डिजिटल है, मैनुअल डिजिटल ऑटोमेटिक मशीन होती है ये। अच्छा मैनुअल डिजिटल ऑटोमेटिक मशीन है ये। इसमें 4-5 तरह की मशीनें आती हैं, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कई तरह की मशीनें रखी हुई हैं। एक छोटी वाली डिजिटल मशीन है जो कम दाम की है, उससे बेटर है। सारी मशीनें होती है, 4-5 प्रकार की ऑटोमेटिक आती है, हर तरह की मशीनें हम देते हैं, हर मशीन रखते हैं और मशीन बेटर से बेटर काम करती है। आप इस मशीने से 8 से 10 तरह के प्रोडक्ट पैक करके मार्केट के अंदर में सप्लाई कर सकते हैं। आपने ब्रश पैकिंग की बात की सर, जैसा कि हमारे दर्शक यहाँ देख पा रहे होंगे, ये यहाँ पर डाई है, डाई में आपका ये ब्लिस्टर लगा हुआ है, उसमें ब्रश है और ये पेपर शीट है, तो ये सारी चीज़ें आप प्रोवाइड कराते हैं? सारी चीज़ मैं प्रोवाइड करवाता हूँ, हर मटेरियल जो भी है इसके हर चीज़ प्रोवाइड करवाता हूँ। देख भी सकते हैं सारे मटेरियल्स वहाँ पड़े हुए हैं, ब्रश हो गया, इसका ब्लिस्टर हो गया, इसका पेपर हो गया, इससे रिलेटेड और भी चीज़ें, स्क्राइबर वगैरह भी हैं जो स्क्राइबर पैक करते हैं, इस तरह के हैं, ये सारे भी हमारे पास होते हैं, इनके भी सारे मटेरियल्स हमारे पास होते हैं। इसी मशीन से आप ये स्क्राइब का भी काम कर सकते हैं, इसी मशीन से मसाले भी पैक करके बेच सकते हैं, जो ड्राई फ्रूट भी बेच सकते हैं, इससे ड्राई फ्रूट भी बेच सकते हैं। सिर्फ डाई चेंज होगा, ब्लिस्टर चेंज होगा, पेपर चेंज होगा और बहुत कुछ इसमें पैक कर सकते हैं। इससे पैक कर सकते हैं, मैं अभी आपको सारा चीज़ बना के डेमो भी दिखा सकता हूँ। बिल्कुल सर, डेमो तो दिखाएंगे हमारे दर्शकों को। एक सवाल है सर कि ये जो ब्रश है ग्रामीण एरिया में धड़ल्ले से बिकता है, तो अगर एक ब्रश की अगर बात की जाए तो एक ब्रश की कीमत क्या होती है? देखिए एक ब्रश लूज में 2.40 रुपये से आते हैं स्टार्टिंग है हमारे पास, 3.5-4 रुपये तक का है, क्वालिटी वाइज क्वालिटीज है। बिक्री कितने की होती है सर? 10 से 15 रुपये 20 रुपये मार्केट के अंदर में सप्लाई। मान लीजिए कि 2.40 रुपये का जो ब्रश है वो आपको 12 पीस है तो 12 × 24 = 44 लगभग 36-37 रुपये में ये पूरा 12 पीस तैयार हो जाता है। ये पैकेट जो है 12 पीस की है वो 35 से 36 रुपये में तैयार हो जाता है मार्केट में। सर जो होलसेलर है उसको कितने रेट में देंगे आप? 55 से 60 रुपये में उसको आप होलसेलर को सप्लाई दे सकते हैं। 40 से 45% बचत है, परसेंट है जी। इसी हिसाब से बहुत सारे सामानों की पैकिंग कर सकते हैं सर? जी इसी तरह से बहुत सारे सामान है, स्क्रैप है, स्क्रैप में भी 38 से 40 रुपये तैयार करने में लगता है खर्चा, एक पत्ता को 12 पीस को आप मार्केट के अंदर में होलसेलर को 55 से 60 रुपये में आप होलसेलर को सप्लाई दे सकते हैं। मार्केट में 10 रुपये जनरल में, रिटेलर में 10 रुपये बिकता है, 10 रुपये में आराम से बिक जाता है, 10 रुपये एकदम खुला ही रेट है उसका, 10 रुपये में बिकता ही आराम से। तो सर लगे हैं तो हमारे दर्शकों को डेमो करके दिखा दीजिए कैसे पैकिंग होती है। दिखा देता हूँ आपको, ये डेमो करके दिखाता हूँ मैं अभी टूथब्रश का, पहले डेमो करके दिखाता हूँ। इसमें 2 तरह का टूथब्रश होता है, बच्चे वाले भी अलग होते हैं, चाइल्ड वाले और सियाने के भी अलग होते हैं। हर डाई भी तो अलग अलग होंगे सर? बच्चे के अलग डाई होंगे, सियाने के अलग डाई होंगे, स्क्राइबर की अलग डाइयाँ होंगी, मसाले की अलग डाइयाँ होंगी, मशीन सब एक होंगे, मशीन एक है लेकिन डाइयाँ अनेक इसमें इस्तेमाल होगी, तो डाई आप ही प्रोवाइड करेंगे सर? सर सारी डाई मैं प्रोवाइड करूंगा, डाई दिखा भी रहा हूं मैं आपको, सारी डाइयाँ हैं। अभी मैं जब डेमो बनाऊंगा तो आप देख भी लेंगे हर तरह की डाई किस तरह की होती है, सब मशीने की डाई
डाई से लेकर मटेरियल तक सारा चीज़ मैं ही दूंगा, प्रोवाइड मैं ही करूँगा। कहीं दूसरी जगह जाने की जरूरत नहीं है, कहीं आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। चलिए सर, डेमो दिखाइए हमारे शो को। ठीक है सर, मैं अभी दिखाता हूँ डेमो, आप देख लें। मैं टूथब्रश पैक करने जा रहा हूँ। सर, इस मशीन को प्रिपेयर होने में, तैयार होने में कितना समय लगता है? 10 मिनट का टाइम लेता है हीट होने के अंदर। हीट होने, बिजली की खपत सर कितनी होती है? बस आप एक पंखा घर में के अंदर में जो चल रहा है उस हिसाब से आप समझ लीजिए कितनी की खर्च है। यानी कमर्शियल कनेक्शन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी? नहीं, रेसिडेंशियल में भी आप काम कर सकते हैं, आप कमर्शियल लेना है तो ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। रेसिडेंशियल में काम कर सकते हैं, कोई बिजली ज़्यादा खपत नहीं है। 1 से 2 यूनिट आपका अगर वर्क करते हैं 2 घंटा तो 2 यूनिट खर्च होगा आपका। पैकिंग कितने समय में ये हो जाता है सर? 3 से 4 सेकंड लेता है। मात्र 3 से 4 सेकंड में पैकिंग हो जाएगा? जी जी जी, अभी मैं दिखा रहा हूँ सर। अब ये देखिए, मैंने अभी इस तरह के, ये देखिए ये मशीनें हैं, ये डाइया मैंने टूथब्रश ये मैं रखा और इस पर मैं ये पेपर डाला और मैं अभी इसको देखिए इस तरह से मैं यहाँ डालते हैं और ये मैंने इसको आप देख पा रहे हो दोस्त, 5 सेकंड हुआ है। 5 सेकंड में सर अब इसको निकाल रहे हैं, आप देखिए कि पैकिंग हुई है या नहीं हुई है। मार दिया मैंने तो सर, अब करना पड़ता है, देख लिया जाए कि किस तरह से पैकिंग आपकी आ गई। बिल्कुल दोस्त, हमारे हाथ में है ये, अभी कोई कट नहीं हुआ है, आप देख पा रहे होंगे कोई कट नहीं है वीडियो में। और ये आप देख लीजिए, पूरी तरह से ये पैकिंग हो चुकी है और मात्र 5 सेकंड लगा है, 5 सेकंड में पूरी तरह से ये पैक हो गई है। इसी तरह से ये अब दूसरी पैकिंग हो रही है। ये दूसरा डिज़ाइन है सर? जी, इसमें बर्स में दूसरा डिज़ाइन है। जिस प्रकार के डिज़ाइन होते हैं, कई प्रकार के होते हैं, जिस तरह का चाहेंगे उस तरह से हम प्रोवाइड करवाते हैं। अब तो कस्टमाइज डाई भी बनवा सकते हैं सर? जी जी, कस्टमाइज डाई भी बनवा सकते हैं, पेपर भी बनवा सकते हैं, आप अपने नाम का चाहें। ये आप देख सकते हैं, ये पेपर किसी ने छपाया था अपने निर्मल के नाम से। जी, निर्मल के नाम से, तो उनके नाम का है, तो आप अपने नाम का भी पर करवा सकते हैं। कम खर्च में, कम ज़्यादा कोई खर्च नहीं है, 10 से 5 हज़ार रुपये आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपके नाम का कंपनी बन सकता है। तो ऐसा भी होता है सर कि जो मशीन लेंगे तो एक लिमिट होगा ना कि मिनिमम कितना आपके पास से रॉ मटेरियल ले सकते हैं? देखिए, कोई लिमिट नहीं है रॉ मटेरियल के लिए। जैसे स्क्राइबर है, टूथब्रश है, टूथब्रश लूज में भी आप ले सकते हैं, कार्टून भी ले सकते हैं, आपका पैकेट जितना अलाउ करता है आप उतना माल ले सकते हैं। जो पैक किया हुआ चीज़ है जो लूज नहीं दे सकते हैं वो आपको पूरा कार्टून लेना पड़ेगा। जैसे एक मान लिया जाए स्क्राइबर है, वो 20 केजी का आता है, पेटी आता है, उसको खोल के नहीं दे सकते हैं, खोलते हैं तो ख़राब हो जाएगा, आपका भी बेकार हो जाएगा, मेरा भी बेकार हो जाएगा, तो पूरा कार्टून ही आपको लेना पड़ेगा। बाकी ब्लिस्टर हो गया, पेपर हो गया, आपको जितना आपकी मर्जी उतना लेके जा सकते, जितना चाहे उतना लेके जा सकते, कोई पाबंदी नहीं है। पाबंदी नहीं है, कोई इसमें बाउंडेड नहीं है कि भैया हमारे यहाँ से आप मटेरियल इतना परचेज करोगे जब ही दूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपको जो अलाउट करें आप अपना कर सकते हैं। चलिए सर, डेमो करके दिखाइए दोबारा। दिखा रहा हूँ ये दोबारा आपको, दूसरी टूथब्रश। तो आप देख पा रहे होंगे दोस्त, 5 सेकेंड, 5 से, एक बच्चे जो है घर में 10-12 साल के बच्चे हैं वही इससे काम कर सकते हैं। बिल्कुल, लेडीज़ें काम कर सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये घर का एक उद्योग है, घर में एक छोटा सा 8x10 का रूम है, उसके अंदर में बैठ के आप काम कर सकते हैं। टेबल पर ये बिजनेस शुरू किया जा सकता है। इसको देखे किस तरह से, कितनी मजबूती के साथ ये पैक हो गया। आपको इस तरह के आपको आप चाहिए मार्केट के अंदर में, रिटेलर में तो 20 रुपये का बेचता ही है, 15 का बेचता ही है, आप मार्केट के अंदर में। आपके ऊपर है कितने में आप मार्केटिंग करते हैं। ये तीसरी तरह का एक टूथब्रश है। तो दोस्तों, आपने देखा सर ने डेमो करके दिखाया है आपको, और ऑपरेट करना भी इसको काफ़ी आसान है। एक बच्चा भी इसको ऑपरेट कर सकता है, महिलाएं भी ऑपरेट कर सकती है। जैसा कि ये टेबल पर रखा हुआ है, एक टेबल से इस बिजनेस की शुरुआत की जा सकती है। तो सर लगे हाथ ये बता दीजिए कि इस तरह के बिजनेस की शुरुआत कोई भाई बंधु करेंगे या हमारे बहने करेंगी तो कितने पैसे की ज़रूरत पड़ेगी? 35 से 40 हज़ार रुपये आपको इन्वेस्ट करते हैं मटेरियल, विथ मटेरियल के साथ, तो आपका बिजनेस राइज कर जाएगा, आप शुरू कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 35 से 40 हज़ार रुपये आप इंगेज लगा सकते हैं। तो सर ये मशीन है, अगर इसमें कुछ फॉल्ट हो जाए तो इस स्थिति में हमारे भाई बंधु क्या करेंगे? इस स्थिति में सर मैं इसकी वारंटी देता हूँ, 5 साल की मशीन की वारंटी होती है। 5 साल तक? 5 साल की वारंटी होती है। कोई भी दिक्कत आता है मैं कोशिश करता हूँ कि आपसे ही ठीक करवा लूँ वीडियो कॉलिंग करके, अगर वो चीज़ अगर आपसे नहीं हुआ तो मैं अपना टेक्नीशियन भेजता हूँ। वहाँ भेजते हैं आप? जी जी जी। वैसे मशीन लेके आने की ज़रूरत नहीं है, मैं उनके घर पे ही सारा काम करके दूंगा। ये इसका ब्लिस्टर और ये जो पेपर वगैरह है वो केजी से मिलता है या पीस से मिलता है सर? केजी से सर मिलता है, ब्लिस्टर केजी से मिलता है, पेपर पीस के हिसाब से मिलता है। तो अगर कोई अपना ब्रांड करना चाहे तो क्या उसका प्रोसेस है? उसमें कोई प्रोसेस नहीं है, जो रेट है हमारा फिर पेपर का उसी रेट पे आपका ब्रांड कर दिया जाता है। सिर्फ 1000 से 1500 रुपये एक्स्ट्रा खर्च आता है उनका। कोई एक्स्ट्रा खर्च नहीं? टाइम
कोई एक्स्ट्रा खर्च नहीं। फर्स्ट टाइम जो है 1500 के लमसम आपका एक्स्ट्रा खर्चा आएगा, जो डिजाइनिंग प्लेट वगैरह का आता है यही आता है, बाकी जो सेम रेट जो जनरल रेट चलता है उस रेट के अंदर में आपका पेपर प्रिंट होता है, आराम से मिल जाएगा। जी जी, आपको आराम से मिल। ये मशीनें कहाँ कहाँ आपकी डिलीवर हो जाती है सर? सर ऑल ओवर इंडिया डिलीवर होती है, कहीं भी कर सकते हैं, कहीं भी मंगवा सकते हैं आप ट्रांसपोर्टिंग के जरिए। आप ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं ऑनलाइन मंगवा सकते हैं, आप किसी आप आके लेके जाना चाहते हैं मोस्ट वेलकम है, आप आए देखे देख के लेके जाएं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा सर ये बताइए कि अगर कोई बिजनेस इस तरह के शुरू करे तो उनको पार्ट टाइम करना चाहिए या फुल टाइम करना चाहिए? देखिए इसमें क्या है कि फुल टाइम की भी ज़रूरत नहीं है, अगर वो करना चाहते हैं तो पार्ट टाइम के अंदर में, क्योंकि इसमें मटेरियल तैयार करने के लिए आपको 3 से 4 घंटा बहुत है। घर के लोग बैठे भी हैं, कोई बच्चे बैठे भी हैं, तो मटेरियल घर में तैयार कर सकते हैं, और 2 घंटा आप मार्केट के अंदर में घूम लिया तो अच्छा से अच्छा मुनाफा आप इससे कमा सकते हैं। जी सर, ऐसे बुजुर्ग हैं जो घर में बैठे रहते हैं उनके लिए भी परफेक्ट है बिजनेस? एकदम पूरा परफेक्ट है सर, क्योंकि कोई भारी चीज़ है नहीं, कोई लेंदी प्रोसेस है नहीं, एक छोटा सा स्क्रैप है या टूथब्रश है ब्लिस्टर के अंदर में डालना है, उसके ऊपर पेपर डालना है, उसको पैक कर देना है। और सड़ने गलने का तो चीज़ है नहीं सर? कोई सर नहीं, कोई सड़ने गलने की कोई चीज़ नहीं। बिका तो भी ठीक, ना बिका तो भी ठीक, आज ना बिकेगा कल बिकेगा, कल ना बिकेगा परसों बिकेगा। जी 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 एकदम सर, एकदम कोई एक्सपायरी इसका तो है नहीं कि कोई एक्सपायरी है भैया, और बिकना है क्योंकि ये सब हर घर की ज़रूरत की चीज़ है, टूथब्रश है, हर लोगों को हर बच्चों को सियाने को चाहिए ही चाहिए। खास करके इस तरह का जो प्रोडक्ट है ग्रामीण एरिया में धड़ल्ले से बिकता है सर? बहुत ज़्यादा सर, बहुत धड़ल्ले से ही बिकता है कोई चीज़ में, इसमें आज तक तो कोई ऐसा नहीं आया है। लोग बहुत ज़्यादा बिजनेस कर रहे हैं, जो अपने परिवार के साथ खुश हैं, सब कुछ खुश है। एक लास्ट मैसेज दे दीजिए हमारे युवा मित्र जो कम पैसे में स्वरोजगार करना चाहते हैं उनके लिए। बस सर उनके लिए यही मैं मैसेज दूंगा कि सर आप लोग जुड़े, हमसे जुड़े और कम पैसे में अपना रोज़गार करें, बैठने से कोई फ़ायदा है नहीं, आप बाहर जाने से भी कोई फ़ायदा नहीं है, जितना आप बाहर कमा रहे हैं उससे ज़्यादा आप अपने घर पे कमा सकते हैं कम पूंजी इन्वेस्ट करके। 35 से 40 हज़ार रुपये इन्वेस्ट कीजिए और आप 1500 से 2000 रुपया पर डे इनकम कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं। जी जी, इसलिए सबों से यही है कि आप लोग अपने लाइन में आए बिजनेस करें, और बिजनेस से बेटर कोई चीज़ नहीं है, कोई नौकरी नहीं है, वो अपना धंधा है, आप जब भी चाहे कर सकते हैं, जब मन करे ना करें घर पे आराम कर लें, फिर मन करे जाके मार्केट के अंदर में सेल करके घर आ जाएं। तो सर आपका ब्रांच कहाँ कहाँ पर है? सर मेरा ब्रांच 3 जगह है, दिल्ली हेड ऑफिस है अपना जो तिरी नगर के अंदर में है, और आपको दूसरा दरभंगा के अंदर में है, तीसरा ब्रांच बॉम्बे में मुमरा में है। 3 जगह से हैं। तो दोस्तों आपने सुना सर ने बताया कि 3 जगह इनका ब्रांच है, और काफ़ी लंबे समय से इस फील्ड से हैं, काफ़ी लोग इनसे जुड़ चुके हैं, बहुत सारे लोग लाभ ले रहे हैं, बहुत सारे लोगों को रोज़गार प्रोवाइड कराया है। तो आज की जानकारी दोस्त कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और इससे संबंधित और भी जो जानकारी चाहिए तो सर का नंबर स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यहाँ का कंप्लीट एड्रेस, साथ ही जो मुंबई में इनका ऑफिस है उसका जो हेड ऑफिस इनका दिल्ली में है वहाँ का भी एड्रेस दिया हुआ है। अगर बिहार से हैं तो यहाँ आ सकते हैं, अगर दिल्ली के अगल बगल में है तो वहाँ जा सकते हैं, या तो मुंबई के अगल बगल में है, महाराष्ट्र के अगल बगल से हैं तो वहाँ से भी जा करके लघु उद्योग की मशीनें प्राप्त कर सकते हैं, साथ ही रॉ मटेरियल भी प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह के और भी अपडेट जारी रहेंगे, तो बने रहिएगा ग्रो माई इंडिया चैनल के साथ, तब तक के लिए